नमस्कार सबको। कुछ खुलासे आज करने हैं। हमारी फ्रेंड है यहाँ पे मैसूर से, शैली, और ये आदिल के बचपन के दोस्त है मैसूर से, शाबाज। तो मैं सबसे पहले बता देना चाह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे खुलासे, मुझे थोड़ा आप लोग के सामने आने के लिए वक्त लगा क्योंकि बहुत सारे खुलासे करने थे। ये इतने केसेस हैं, वो आपको सब बताएंगे आदिल के ख़िलाफ़। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आदिल की शादी, मुझसे पहले आदिल की शादी, ठीक है? पर वो भी ये एक शादी नहीं है, दो तीन शादियाँ हैं जिनको तलाक दे दिया, उन लड़कियों को भी मैं ला रही हूँ सामने। दो रेप केसेस है, वो भी ला रही हूँ सामने। वक्त लगता है हर चीज़ के प्रूफ को इकट्ठा करके लाने के लिए। तो अभी मैं ये आदिल की शादी का प्रूफ है, कोर्ट मैरिज का, पूरा कोर्ट निकाह कोर्ट मैरिज का है ये। मैं रख सकती थी, आपके पास तो है सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो विल स्टार्ट। आप के शैली, लेट्स शैली स्टार्ट। शैली विल स्टार्ट। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑल हियर। सबसे पहले तो मैं अपनी बदकिस्मती ही बोलूँगी कि राखी को आदिल से मिलवाने वाली मैं थी। तो जो है, हम लोग किसी अपने एक काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जहाँ पर आदिल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, मेरे पैरों में गिरा हुआ है, वो फ़ोटो भी मैं भेजूँगी, जिसमें उसने बोला है कि दीदी एक बार आप मुझे राखी सावंत से मिलवा दो। जब मैंने उसको बताया कि मैं उसके साथ कुछ काम करने जा रही हूँ, तो लिटरली उसने पैरों में पकड़ के, मतलब कि एक बार मुझे बुला दो, एक बार आपके बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दो। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मिलवा दूंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद वो मिला और उसके बाद जो उसने किया वो तो आप सब जानते ही हैं। और जो केस उसका हुआ, जो वो बोलता है कि रोशिना सिर्फ उसकी दोस्त थी और राखी ने पैसे दिए हैं रोशिना को केस करने के लिए, मैं जानना चाहती हूँ कौन औरत आएगी 3 लाख रुपए लेके केस करने के लिए? और पुलिस वाले क्या बेवकूफ़ बैठे हैं? कोई उनको कोई सबूत नहीं मिले होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा केस डाला होगा? कैसे वो राखी पे तोहमत लगा रहा है अपने कर्म किए हुए की? तो ये जरा सर गलत बात है। राखी जब मैसूर आई थी तो सिर्फ मेरे साथ थी, राखी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर दिए हैं ना तो उसको बोलिए कि सबूत देगा, हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे पुलिस में, हम लोग खुद जाएंगे। अगर राखी के दिए हुए पैसे, कोई भी उसके पास सबूत है तो हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे। इस तरीके की बेबुनियाद बातें और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना राखी के ऊपर सही नहीं है। उसने क्या सोच लिया राखी अकेली है, उसकी सच्चाई नहीं आएगी सामने? सब सच्चाई है हमारे पास, प्रूफ के साथ आए हैं हम लोग। और इस तरीके से इस लड़की को बदनाम करना ठीक नहीं है। वो इंटरटेन करती है, वो लोगों को हंसाती है, वो लोगों से प्यार करती है, आपको हंसता हुआ देखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर मजाक बना दिया जाएगा। शाबाश, थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। मैंने आदिल को 2012 में 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर। 50 लाख से हो गए 30 लाख, 30 लाख से हो गए 19 लाख, 19 लाख से हो गए 9 लाख। तो टोटल 2012 में, आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आदिल का जो बिजनेस है, आदिल का जो ये है, सिर्फ चोरी और फ्रॉड का काम करता है वो। ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना तो उसके पास 1 रुपया है। ये सिर्फ 200 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है, लड़कियों से पैसा लूटता है ये, लड़कियों से पैसा लूटता है, क्योंकि इसने पहले भी 2-3 शादियां और की हुई है, और 2-3 शादियां की हुई है, और उसका प्रूफ भी राखी के पास है। और ये क्या करता है, ऐसे एक लड़कियों को फंसा लेता है जाल में, जाल में फंसा के क्या करता है, उनसे पेमेंट 5 लाख दो, 10 लाख दो, 2 लाख दो, ऐसे पेमेंट लेता है। और ये बेचारी तो इसको कुछ पता ही नहीं था, इसने उठा के बहुत बड़ा पेमेंट उस पर दे दिया। और ये जब भी जो भी ये बोल रही थी, ये मैसूर आई, ये सब शैली ने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आदिल का जो है ऑलरेडी 5 टोटली 11 केसेस चल रहे,
और उसका प्रूफ है यहाँ पे। 11 में से उसमें को 5 में बेल मिली है, जिसमें से 2 रोशिना और राखी के हैं। और उसके ये, बाद ये, के जो ये है, केसेस कौन से है जानते हैं आप? सारे 420 के केसेस है, सारे सारे लोगों से पैसा लो। और जो भी मीडिया के मेरे भाई लोग हैं, आप एक काम करो, आपका एक नंबर डाल के जो जो भी आदिल से रिकवर पैसा करना चाह रहा है तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू दिस नंबर बोल के डालो। आपको कितने फोन आएगी ये हमारा चैलेंज है, आपको कितना फोन आएगा, ये सब फर्जी कर रहा है, ये सब इसको इसको ये दिल की ओपन माइंडेड है। हम लोग हक पे बात करने वाले, चाहे हमारी जान भी चले जाए ना, हम लोग हक पे बात करने वाले। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका धंधा है ये लड़कियों से लूटना। और ये बिचारी तो आप एक बात बोलो, राखी का अभी तक कोई FIR कोई केस है किसी से पैसा लेके खा गए 1 रुपया बोल के? आज तक कहीं सुना है? मेहनत से कमाते लोग, मेरे को पता है इससे 2 करोड़ रुपया लिया है उसने, मुझे पता है और सारे प्रूफ है। और वो क्या करता है पता है? मासूमियत जितनी दिखती है ना सूरत पे, जितनी मासूमियत दिखती है ना, उतना बड़ा हरामी है। बस यही गलती हो रही है कि राखी थोड़ी लाउड हो जाती है और वो अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बात करके अपनी हर एक चीज पे पर्दा डाल दोगे। सबूत है उसके पास, उसने दिया है पैसा उसको। और ये बोल रहा है फैमिली बैकग्राउंड से पैसे वाला है, जीरो है, जीरो। क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, पहले उसको BMW की स्टेयरिंग दिया था मैंने उसको BMW पे 7.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाया था 2012 में टोटली। उसके बाद मर्सिडीज एस क्लास दिलवाया था, जाते 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 मेरे पास i20 के काबिलियत बना दिया उसने। ऐसे लोगों से लूटता है ये, ऐसे मासूमियत को लूटता है। क्योंकि देखो हर एक आदमी मेहनत से ही कमाता है, इसकी तो आधी पौनी जिंदगी गुजर गई पैसे कमाते कमाते, है कि नहीं? आधी पौनी राखी जी की तो जिंदगी गुजर गई है। और इससे 2 करोड़ रुपया लेके वो क्या करता है? आदमियों को जाल में फंसाता है। जो कुछ भी सारे हिंदुस्तान, सारी देश की मीडिया सुन रही है, आप बोलो लोग सुन रहे हैं, मैं एक बात बोलता हूँ, ऐसे लोगों की चाल में मत फंसिए। जब वो बचपन के दोस्त को ही बर्बाद कर सकता है तो किसी और को कहाँ छोड़ सकता है? और खुद की वाइफ से वाइफ बनाया, सब बनाया, फिर दूसरी लड़कियों का संबंध बनता है। उसने मेरे को एक बात बोला था JW जुहू में, आज से 1 साल पहले मैं दबाया हुआ था, मैंने राखी से बात भी करा था उस दिन। अरे राखी तो एक मोहरा है, उसको स्टेप बनाना चाह रहा हूँ मैं, उसको स्टेप बना के मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। तुम्हारे को पता नहीं है कि हमारा स्कीम, मेरे को ऐसे ही बोला था उसने। क्यों? हम लोग हक पे बात करने वाले, इसका पैसा खाया है 100%, 2 करोड़ रुपया विद दी प्रूफ है। अगर आप एक बात बोलो, उसके ऊपर 10 से 12 एलिगेशन है, 10 से 12 केसेस ऑलरेडी 420 के चल रहे, क्या लोगों का पैसा खाया है बोल के। राखी का आप एक इल्जाम दिखाओ मेरे पे, किसी से, सारे हिंदुस्तानी सारी दुनिया में राखी किसी का 1 रुपया देना है क्या? मैं 20 साल से सिर्फ उससे शादी की, इससे शादी की, इसके सिवाय बात करने के लिए कुछ है क्या उसके खिलाफ? सारे प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, सारे प्रूफ यहाँ यही पे है। और मेरे दोस्त है मैसूर में, आज भी 3 करोड़ का खाता चल रहा है उसका, अब्बास भाई का 2 करोड़ रुपया का अकाउंट है, और जाकिर भाई का 50 लाख रुपया का अकाउंट है। 2.5 करोड़ रुपया वो देना है अभी, एट प्रेजेंट, एट ए डेट 2.5 करोड़ रुपया वो देना है। और वही नहीं, सारे कर्नाटक में जितने लोगों से पैसा लिया है ना, फर्जी है, एक गाड़ी का एक नंबर डाल के चलाता है, हर चीज़ में फर्जी स्कैम करता है। ये बेचारी तो फंस गई। मैंने अभी अभी राखी को पर्सनली डिस्कस किया, मैं बोला आप क्यों ऐसे जाल में फंसी, इतना मासूमियत बन के बात करता है, क्या 200 करोड़ की बात करता है वो? 200 करोड़ का, हाँ ऐसे ही लड़कियों से लूटता है वो, 200 क्या 500 भी, ऐसे लड़कियों को फंसाता है, ब्लैकमेल करता है, 500 करोड़ लूंगा, 200 करोड़ लूंगा, क्या 200 करोड़ में सही पर कितने है पता है उसको? नहीं नहीं, 200 करोड़ छोड़िए, सिर्फ सिबिल स्कोर दिखाने बोली है उसको, सिर्फ सिबिल स्कोर, आई थिंक पता होगा सिबिल स्कोर क्या होता है, वो दिखाने बोली है कि उसका कितना है, वहां से पता चल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा है, और ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। EMI कितनी है, सिबिल स्कोर कितना, उतना पूछ लीजिए, उसका बंगला कहाँ है, उसकी गाड़ी कहाँ है, वो कौन से खानदान से है, अरे हमें कहीं कौन जाने सा की बंगला जरूरत है? नहीं है, एक मिनट, कौन सा बंगला है? बंगला भी नहीं है, घंटा भी नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो ऐसे कसम खाता है
जैसे सुबह उठा तो माँ की कसम बेचता है, माँ की कसम बेचता है, खानदान की कसम बेचता है, ऐसे आदमी पे कौन भरोसा करता है? सारे लोग उसको फेम कर रहे, क्यों? अभी मैंने राखी से बात किया, माइंड कंफ्यूज है मेरा, रात भर नहीं सो रही हूँ मैं, मेरे को पैसा ले लिया, मेरे को बर्बाद कर दिया, ऐसे किसी औरत को करना सही लगता है क्या? मेरे पास प्रूफ से है, देखो 11-12 केसेस उसका पैसा देने का चल रहा है, 2 से 2.5 करोड़ रुपया मैसूर में देना है, मेरे दो दोस्तों को, करीबी दोस्तों को देना, और मेरे को 50 लाख का चूना लगाया था 2012 में इसने, इसकी क्या बात करते? किसको चूना नहीं लगाया उसने, मुझे चूना लगाया, उसका मेरा बिजनेस खुद का एक केस जो मैंने उसके ऊपर किया हुआ है मैसूर में, वो केस मेरा अभी तक उसके ऊपर रजिस्टर है, और लास्ट टाइम जो उसने मीडिया में, मेरे पास क्लिप है जो उसने बोला है कि मैं क्या करती हूँ वो तेरा काम नहीं है, तू क्या करता है ये बता, तेरा क्या काम है वो मुझको बता, अभी मैं बताती हूँ तुझे कि मैं क्या करती हूँ और तू क्या करता है, ब्लैकमेल करता है, मुझे ब्लैकमेल किया है। हम लोग आए हैं हक का साथ देने के लिए, राखी का साथ देने के लिए, हमसे कुछ एक रुपया किसी का फायदा नहीं है इसमें। राखी जी आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए, क्या भाई वो कंफ्यूज है, एक मिनट, वन सेकंड, वी ओपन द क्वेश्चंस वंस इट्स ओवर। हां वो कंफ्यूज है, राखी को है ना, अकेली है, आदमी हर नुकसान सह सकता है, हर नुकसान सह सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता। एक तो 2 करोड़ रुपया दिया, अभी जेल से आने के बाद अभी उसको डांट रहा था, ऑटो पकड़ो बोल रही थी, मैं बोला क्यों, गाड़ी का है, BMW जेल से आया, चलो इसको माफ करेंगे, जेल से आके BMW ड्राइवर कैसे लेके गया, एक तो 2 करोड़ दिया, आदमी हर नुकसान सह सकता है लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता, इसके पैर खिसक गए, कमाते कमाते तकलीफ पड़ते पड़ते, कोई आज तक बोला है क्या राखी के बारे में, ऐसे पैसे कमाई वैसे पैसे कमाई बोल के, कोई एक लड़का एलिगेशन डाला है क्या, किसी से पैसा खाई है बोल के, कोई एक लड़का बोला है कि इसने लूटा है किसी को, किसी को लेता है टैटो बना लेने के लिए, उसको 5,000 देंगे तो वैसे 1,000 मिलेंगे, प्रूफ के साथ आ, जैसे हमारे पास प्रूफ है, 11 केसेस है तेरे पास, 11 केसेस पैसे देने वाले, 11 केसेस है, आप राखी का एक केस दिखाओ, सब चलता है हिंदुस्तान में, लीगल चलता है ना, हिंदुस्तान में संविधान चलता है, संविधान में क्या लिखा है, जो हमारे पास प्रूफ है वही चलता है, उसके पास क्या प्रूफ है? राखी ने किसी को 1 रुपया देना बोल के कोई प्रूफ लेके आओ विद द FIR विद द डॉक्यूमेंटेशन, उसके पास ऑलरेडी 11-12 केसेस चल रहे, बर्बाद कर दिया उसको, इतनी एंटरटेन लड़की है, हम लोग मैं 15 दिन से कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपको ऐसे कर रहा है, मतलब देखो हर चीज़ की एक ये लिमिट होती है, वो साला टोटली हम लोग आना भी नहीं चाह रहे थे, हम लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, हमें उसकी तरह फुटेज नहीं चाहिए ना, लेकिन इस लड़की को अकेला देख यूज किया इसने, इसको यूज किया और उसको अकेला समझा उसने, उसको सड़क से उठा के इसके बाजू बिठाया, वो गलती है हमारी, अरे वो तो एक ड्राइवर के लायक का आदमी है, उसने आया मैं डीलिंग करूंगा मेरे को पैसा दो, मैं ये कार खरीदूंगा मेरे को पैसा दो, मेरे को ये बिजनेस करना है पैसा दो, लूट लिया इसको, एक को नहीं ऐसे 500 लिस्ट है, आपके मीडिया पे नंबर डालो, चैलेंज करता हूँ कर्नाटक से आपको कितने लोग फोन करेंगे मेरा पैसा वसूल करके दो बोल के, यहाँ मुंबई में पैसा देना है, लूटने आया फिर से मुंबई में, वो यहाँ से खर्च करता है फिर गुजरात जाएगा, गुजरात से फिर मुंबई जाएगा, 4-4, 5-5 शादियों के डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे आदमियों के ऊपर क्या आप कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मेरे, बोलते हिंदुस्तान की जनता राखी इज रॉन्ग आदिल इज राइट, किस आधार पे बोलते हो राइट है, जब बचपन के दोस्त को ही नहीं छोड़ा तो ऐसे बिचारियों को कहाँ छोड़ेगा वो, मैं एक मुझे दीदी दीदी बोलता था पहले, आज औरों को भी दीदी बहने बना रहा है, पहले मुझे दीदी मुझे एक बार मिलवा दो, उसके बाद दीदी से दोस्त हुई और दोस्त से दुश्मन हो गई, मैं भी एक औरत हूँ, किसी औरत के साथ गलत होगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, उसने क्या किया उस लड़की के साथ नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं अभी और एक बात बोल रहा था, जो कुछ भी उनके दोस्त लोग बन के घूम रहे ना, फिर से 15 दिन के अंदर वो राखी सावंत के साथ में आके बैठेंगे कि मेरा पैसा ले लिया, और वो बहने दिस इज माय चैलेंज, आपस में आप लोग बहने अपनी बहन का साथ दो, मैं यही कहना चाहूंगी अभी भी मीडिया के सामने,
कि वो हमारी बहन है, चाहे जो भी है, आप उसका साथ दीजिए और सही का साथ दीजिए। आप ये मत कीजिए कि कोई भी कुछ बोल रहा है, पहले आप एविडेंस देखिए। कोई पुलिस पागल नहीं है किसी के ऊपर रेप केस डालने के लिए। कोई क्या मतलब चैलेंज करना चाह रहा है कि वो मतलब जिन्होंने केस किया है, जिस भी जहां से भी उनके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है, मतलब पुलिस वालों ने कुछ नहीं देखा है? मैं उठ के किसी के खिलाफ बोल दूं कि हां जी इसने मेरा रेप किया, तो रेप केस हो जाएगा उसके ऊपर? ऐसे ही हो जाता है क्या रेप केस किसी के ऊपर भी? सब तरह सब चीज एक तरफ, राखी के साथ सरासर धोखा हुआ है, क्योंकि मैं उसके साथ 20 साल 25 साल से टाइम गुजारा हूँ, मेरे को हर चीज़ पता है। वो कहाँ से जाको किसको लूटता है, जीरो आदमी क्या करेगा पता है? थोड़ा फेस रहेगा, थोड़ा नाम बना लेगा, एक दो पेटी रख लेगा, किसी की गाड़ी सेल करके दूंगा करके लेके जाएगा, हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। क्या है, आईटी पेयर है क्या तू? 1.5 लाख रुपए लेके आया है अब्बास भाई से, अभी भी यहाँ आने के लिए, आदिल भाई अब्बास भाई से 1.5 लाख रुपए लेके यहाँ आया है इसके खिलाफ ये सब करने के लिए वो। और जितने भी उसके आगे पीछे गर्लफ्रेंड्स हैं, आप सबसे मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी करना है आप करो, वो आपकी जिंदगी है, लेकिन पैसों का लेन देन कोई कुछ और उसके साथ रिलेशन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा और उसका फोन कहाँ पर है, क्योंकि ये चीज के लिए मैं प्रूफ हूँ। और आप मैं, पूछ मेरे पास प्रूफ है इस चीज के लिए। जेडब्ल्यू जुहू में एक साल पहले वो मेरे को मिला था, सारे वीडियोस बनाए, मुझे ब्लैकमेल, किसी भी लड़की के साथ अगर वो रिलेशन कर रहा है, मैं ये बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा कहाँ पर है। अकेली है, आप लोग के साथ राखी सावंत 20 साल से है। रो मत, तू आप लोग के साथ 20 साल से है। कमजोर नहीं है राखी, हर चीज में 20 साल से है। देखो ये चीज मजाक में मत लो, आप राखी सावंत के साथ 20 साल से हो। कोई एलिगेशन लगाया राखी सावंत पे? कोई लड़का ने आपको कंप्लेंट दिया पैसा ले लिया? तो ये क्या चूतिया है, उसको प्रूफ देने के लिए बोलो, जो भी पैसा लिया है क्या प्रूफ है उसके पास? 11-12 केस ऑलरेडी चल रहे, चार तो अभी अरेस्ट वारंट पे है, फिर 6-6 महीना जेल जाएगा, तो अगर हम लोग कुछ स्टेप उठा देंगे तो 6-6 महीना बोल के जिंदगी गुजारेगा जेल में। नहीं नहीं, वो हर किसी औरत का ऐसे मजाक नहीं बना सकता है, मतलब किसी की भी वीडियो लेगा, आप लोग तो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, शायद आप लोगों ने देखा होगा कैमरा किसके हाथ में है। और वो लड़कों का ओवर शौकीन है, क्यों बोलता हूँ, आज से 4-5 साल पहले एक लड़के के साथ सेक्स करते हुए अटक गया था, वो वीडियो है, राखी सावंत ने मिला उसको 1 साल पहले। उससे पहले क्या कर रहा था वो? उससे पहले 4 साल पहले का शौक है उसको वीडियोस बनाने का, गलत काम करते समय, और उसी की वजह से वो जेल गया है। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, यही सभी तो उसके खिलाफ जो सबूत, किसी कोई भी पुलिस वाला ऐसे ही किसी को अरेस्ट और एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, उनको सबूत मिले हैं, पक्के सबूत, जिसके वो बिहाफ पे उसको जो है उसके खिलाफ FIR हुई है, जो आप लोगों के सामने पेश नहीं किए जा सकते। वो इस तरीके के गंदे, और मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि वो किस तरीके के वीडियोस हैं। और लंबा वक्त हो गया है, आप लोग कहाँ पर थे? अभी आप लोग भी सपोर्ट लिया है? हाँ, वो सब करेंगे आपके सवाल का जवाब देंगे। नो प्रॉब्लम, वी आर हियर, हम लोग आए यहाँ पे। एक मिनट, इनके पहले इनको फिनिश होने दो, फिर आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि देखिए क्या आदिल ने, वो आदिल के बारे में बता रहे, अच्छा वो आदिल के बारे में। हाँ आप बोलो आप। जी मेरा नहीं, आज मेरे लिए ये लोग मेन है, आज मेरे लिए मुझे अकेला कर दिया है आदिल ने, मुझे अकेला कर दिया। मुझे आज ही पता चला कि अभी बोल रहा है मासूम, ये अभी राखी घर पे बोल रही थी मेरे को, मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया, पैसा छोड़ो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया। कौन हाथ पकड़ेगा अभी मेरा, इतना गंदे गंदे एलिगेशन, तू चुप कर ना, क्यों ऐसा सोचती है? अरे आपके क्या लिए है? तो 1 करोड़ हाथ पता पकड़ेंगे है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? दोस्तों की जो हेरा फेरी हो रही है, क्योंकि राखी के दोस्त कभी आदिल के सपोर्ट में, आदिल के दोस्त राखी के सपोर्ट में, तो ये भी कब तक चलेगा? मतलब इससे क्या सब कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है? नहीं, मेरे कोई भी दोस्त आदिल के सपोर्ट में नहीं थे, आदिल ने मेरे दोस्तों को तोड़ के, राखी सावंत ने बहुत अच्छी दोस्ती की है, थैंक गॉड राखी सावंत कहीं पानी की जगह नहीं गई,
ऐसे दोस्त होते ना तो राखी सावंत को उधर ही ढकेल के मार देते। दुश्मनी है ना, मैं राखी पे दिखाना चाहिए, मैं आदिल की दोस्त कभी नहीं थी, मैं राखी की दोस्त थी। मैंने आदिल को राखी से मिलवाया था, मैं हर वक्त राखी के साथ खड़ी रही थी और मैं हर वक्त कुछ भी हो जाए मैं राखी के साथ ही हूँ। मैं पहली बात, राखी सही है और उसने लड़कियों के साथ गलत किया है। सही के साथ देना मेरा सबसे पहले धर्म बनता है एक औरत होने के नाते, और उसके बाद मैं राखी के साथ इसलिए हूँ कि राखी सही है। राखी को जानते थे आदिल को, उससे पहले भी आप जानते थे, तो राखी को आपने क्यों नहीं बताया शादी से पहले? मैंने शैली, आप राखी की, आदिल की बहन बन के सबसे पहले इंट्रोड्यूस जी, बिल्कुल वो BMW कार मुझे मैंने बताया था राखी को, मैंने राखी को बिल्कुल बताया था। सुनिए, जवाब तो देने दीजिए। प्लीज, मैं एक बात बोलता हूँ जी, जवाब ये है कि मैं बोलता हूँ उसके बाद छिली का। एक मिनट आदिल का जो टैलेंट है ना, वही चीज का टैलेंट है। क्या मैंने राजा राम सर को अभी पूछ रहा था, सर आपने, मैंने आपको टिप्सीबुल क्लब में देखा था आदिल के साथ में, आदिल ने मेरे को बोला उसी टाइम पे, ये मेरा न्यू एडमिटर है शैली और राजा राम। ऐसे गुमराह करता है जैसे राखी को किया, राखी को एक साल कैसे गुमराह किया, साथ में लिया। मैं 2012 में मेरा पेमेंट जो गया, उसके बाद मैंने बोला मेरे घर के पास मत आ, मेरे को फिर जेल से निकल। नहीं, वो मुझे नहीं जानते थे। फिर मेरे को एक मिनट शैली जी, आप अपना प्रॉपरली रिश्ता आदिल के साथ जी मैं बताती हूँ कैसे डील हुआ, क्या कारण है, मुझे बोलने दीजिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा आदिल से रिश्ता शुरू हुआ था एक कार डीलिंग से। मैंने उससे Q7 खरीदी थी जो उसने मेरे ही दोस्त से खरीदवा के उसमें मुझे 20 लाख का चूना लगाया, और उसने हम दो दोस्तों को लड़वाया ये बोल के कि वो आपके लिए गलत बोल रहा है। हम दोनों को एक दूसरे से बिना बात कराए मेरे ही दोस्त की गाड़ी मुझे 20 लाख एक्स्ट्रा में बेची। यहाँ से मेरा रिश्ता शुरू हुआ। उसके बाद मैं राखी के साथ कुछ डील कर रही थी, मैं उसे बहुत न्यूली जानती थी, बहुत ज्यादा न्यू, यहीं से मेरा रिश्ता शुरू हुआ था। वो बहुत प्यार से दीदी 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 करके मेरे पीछे पीछे आता था, क्योंकि मेरे रिश्ते, मैं दिखाऊंगी वो बाद की बात है। मेरे बॉलीवुड में रिलेशनशिप है, मैं काम करती हूँ, मैं इवेंट्स में हूँ, मैंने अभी पीछे भी कुछ इवेंट्स किए थे, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। राखी के साथ मेरा कुछ बिजनेस था, ये मुझे बोला दीदी प्लीज एक बार मुझे नहीं फोटो खिंचवाओगे, मुझे नहीं मिलवाओगे? मैंने बोला बिल्कुल मिलवाऊंगी, आ जाओ। वहां से ये आया, इसकी टिकट भी मैंने बुक की है, वो सबूत भी मैं दूंगी। मैंने उसको मिलवाया, मैंने राखी से मिलवाया, राखी और मैं जो भी काम साथ करने वाले थे, इसने मेरे को बोला कि दीदी आज तो पार्टी होनी चाहिए, एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो ये कहीं जा रही थी, इसने बोला कि डेफिनेटली चलो चलते हैं। उसके बाद उसने इसका नंबर डायरेक्ट एक्सचेंज किया, हम लोग वापस आ गए। उसने मेरे को ये बात बोली कि दीदी चलो आप भी बिग बॉस चलते हैं, ये करते हैं, मैं राखी को ये कर लूंगा, मैं राखी को ये पटा लूंगा। मैंने बोला हेलो भाई, मैं सिर्फ काम करती हूँ, काम के लिए मुझे वो ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी, ना मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, ना मेरा यहाँ पे कोई काम है, मेरे को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसे फोन किया, पूछ लीजिए यही है, मैंने इसको बोला ये तुझे धोखा देना चाह रहा है और तेरे को इस तरीके से ये करना चाह रहा है। उसके बाद इसने राखी को मुझे ब्लॉक करवा दिया, मेरा को इसने राखी से बात करने ही नहीं छोड़ा। इसको बोला मैं बहुत गलत औरत हूँ, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, मेरे साथ कॉन्टेक्ट नहीं रखना। मैं ठीक बोल रही हूँ? सही। उसने मुझे कॉन्टेक्ट बिल्कुल तोड़ दिया, ब्लॉक करवाया इसने मेरे को, इंस्टा से ब्लॉक करवाया, मेरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक करवाया। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा राखी, आपने शैली को पहले क्यों सामने नहीं लेकर आए? बहुत लंबा वक्त हो गया, अभी हर कैरेक्टर ऐसे लग रहा है कि एपिसोड चल रहा है, नए-नए कैरेक्टर आ रहे हैं। जब आदिल 6 महीने पहले जेल गए थे तब शैली आई थी, शायद आप लोगों को याद नहीं है। आज इन लोगों ने मैसूर से आए, मैं इन लोगों का कोटी कोटी प्रणाम करती हूं। मैं आज भी नहीं आना चाहती थी, देखिए मैं आज भी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। मैं अकेली पड़ गई, ये मैं अकेली पड़ गई, और मैं सबसे पहले कि मैं जीते जी आंखें खुले हुए कोमा में चली गई। उस लड़की के साथ गलत किया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है।
उसके बावजूद मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये वापस आके यही करना चाहता है औरतों के साथ। लेकिन आपने क्यों ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, आपको तो नहीं बोला? नहीं नहीं, वापस एक बार सजा होने के बाद, एक बार उसको जेल जाने के बाद आप क्या करोगे उसके साथ? छोड़ दो ना उसको, वो 6 महीने जेल में था ना, वो आने के बाद किसने, जेल में से आने के बाद किसने किया मीडिया ट्रायल शुरू? उसने नहीं, आदिल ने बहुत ही गंदा गेम प्ले किया। ये जो दोनों यहाँ पे, ये जो एक मिनट, उसके आगे क्या हैशटैग लगता है? राखी का हस्बैंड आदिल, राखीज हस्बैंड आदिल खान दुरानी, हैशटैग नॉट आदिल खान वाइफ राखी सावंत, शी इज राखी सावंत, शी इज द वन हु गेव हिम फेम, शी इज द वन हु ब्रॉट हिम हियर। लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम एकदम आदिल ने एकदम मुझे जाते आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया है, यू नो, कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, परेशान कर दिया है, इतना मुझे टॉर्चरिंग कर दिया है। और उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था इनके साथ कि मैं राखी के साथ तो मैं सिर्फ उसको यूज़ करने, उसके पैसे छीनने, बॉलीवुड में जाने, बिग बॉस के लिए जा रहा हूँ, इन दोनों को पहले से बोल के रखा था। अच्छा, अभी हम कैसे विश्वास करें कि आज ये आपके साथ है, कल वहाँ पर ना हो जाए? बिकॉज़ ये बहुत चलते आया है आदिल के पास। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं कभी उनके साथ नहीं थी। राखी को जब लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई, आप लोगों को याद है, कोर्ट में भी आई थी लास्ट टाइम, मैं कभी किसी के साथ, मुझे पहली बात है वहां से शर्लिन आई है, इसलिए आप कह रहे हो ना। आप लोग अपने रोजी रोटी की कसम खा के बोलो कि जिस अमित की पार्टी में गई थी मैं, उसको उस टाइम मैंने बात भी नहीं कर रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आई थी। एक ही बात बोलूंगी, शर्लिन भी नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, वो कन्विंस करता है, उसके अंदर वो अला, उसके अंदर वो कला है बहुत अच्छी कि वो कैसे उसको मैनिपुलेट करके उसके खिलाफ खड़ा किया। और उस पार्टी में शर्लिन मेरे पीछे आई थी, मैं शर्लिन के पीछे नहीं गई थी। नहीं, गाना तो मैं अपने अकेले बैठ के गाना गा रही थी, वो आके उधर आके चेयर पे बैठ जाती है, मैं क्या करूं? अरे लेकिन ये लोग तो बहने हो, क्या आप ये बोल ही नहीं सकते कि शर्लिन वहाँ की थी यहाँ पे आई? पहले शर्लिन मेरे साथ थी, शर्लिन हमेशा से इसकी है, 20 साल से शर्लिन मेरे साथ थी। जी क्या मुझे नहीं पता, शर्लिन ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ राखी कांड हुआ है, उसने मुझे ऐसे ऐसी बातें बोली है कि मैं आदिल के साथ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए पता नहीं। मैंने आज शर्लिन को बुलाया था, वो आई नहीं। एक मिनट, इस बात का जवाब, एक मिनट, इस बात का जवाब, ना राखी को चाहिए फुटेज, ना शर्लिन को चाहिए, वो लोग इस यहाँ की मानी हुई हस्तियाँ हैं, फुटेज चाहिए आदिल खान दुरानी को, किसी को नहीं चाहिए, राखी को कौन फुटेज देगा? मैं अपना काम छोड़ के बैठी हूँ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। हुई थी शर्लिन के साथ ऐसी, उसने क्या बात की? एक दिन के अंदर वो यहाँ पर आ गई, कुछ तो ऐसी बात शर्लिन ने मुझे ये बताया। शर्लिन जी ने मुझे ये बताया,
हाँ क्योंकि मैं रिस्पेक्ट दूंगी, क्योंकि हाँ शर्लिन जी ने मुझे ये बताया कि राश्री रात को दारू पी पी के शर्लिन को फोन करती थी कि आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है, आदिल। तो शर्लिन पिस्ट ऑफ हो गई कि शर्लिन बोलते यार तुम्हारा आदिल मुझे क्यों फोन करके, तुम तो राखी बांधती हो, ये क्या तुम्हारा नाटक के दिन में भैया रात में सैया। और शर्लिन ने मुझे ये बताया कि राखी वो तुम्हारे बारे में ये दोनों इतना गलत गलत बोल रहे थे कि राखी को कहीं दूर लेके जाके या तो कहीं खाड़ी में फेंक देंगे या उसका मेरा काम तमाम कर देंगे। बहुत बढ़िया ये जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। शर्लिन जी को मैंने अभी बुलाया था लेकिन वो इतनी परेशान थी कि यार मुझे सब लोग पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं, इसलिए बिचारी शायद वो आई नहीं है आज। एक मिनट है आदिल ने वो जो कार का जो था मैंने एक डीलिंग ऑफिस से खरीदा था। प्लीज साइलेंस। मैंने एक गाइस ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज वन मिनट। हाँ भाई देखिए I'll clarify this. देखिए मेरे यहाँ एक MLA इलेक्शन था, मेरे यहाँ कर्नाटका में MLA इलेक्शन था आज के 4-5 महीना पहले। तो मैं वहाँ से MLA का एस्पिरेंट हो रहा था, मैसूर से MLA एस्पिरेंट था मैं और वहाँ का विनर कैंडिडेट भी था। तो मैं बहुत ऑपोजिट स्पीचेस करता हूँ, जो मैं JDS पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की एक लोकल पार्टी है, मैं बहुत ऑपोजिट पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे ऊपर क्या हुआ, मैंने एक कार खरीदी थी, देखो 31st डीलिंग ऑफिस में कार खरीदी थी, जो कार का बाजार होता है ना डीलिंग ऑफिस से मैं कार खरीदी थी और मैंने उसको पूरा वाइट अमाउंट दिया था। देखिए जो पूरा जो मैं गाड़ी लिया हुआ था, मेरे गनमैन घूमने के लिए मैंने गाड़ी खरीदा था उससे 15,50,000 की, 15,50,000 भी मैं ऑनलाइन पूरा ट्रांजेक्शन किया था। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के बाद उसके 2 दिन बाद ही क्या किए, मेरे ऑपोजिशन ने मिलके मेरे को, मेरा ड्राइवर और मैं वो गाड़ी में जा रहे थे बैंगलोर में और मेरे को गाड़ी के साथ में पकड़ लिया। तो वो बोले वो गाड़ी चोरी की है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन हर प्रूफ था, तो मेरे को इमिडिएटली 2-3 दिन अरे पानी क्यों नहीं दे रहे आप? लास्ट टाइम भी हमने अपने पैसे से खरीदा था पानी। ये आपको अपनी अपनी बातें करनी है, आप रखिए, ये सब पीछे क्यों कर रहे हैं, ये प्रमोशन क्यों हो रहा है यहाँ पर? ठीक है हेलो सोहेल, हमको फ्री में वेन्यू मिला है। ठीक है तो आप यार पानी दो ना यार। अच्छा मैं बोलती हूँ जो
उसका भी कोई लीगल मैं तो तैयार हूँ। अरे पानी दे दो ना प्लीज यार। सोहिल यार प्लीज, सोहिल सोहिल यार प्लीज पानी। हमारे ऊपर कैमरा